उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गन्ने की पौध से महिला समूह को अब प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय भी हो रही है। प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गन्ना विभाग के साथ जुड़कर 147 समूह की 3661 महिलाएं गन्ने के पौध का उत्पादन कर रही हैं। इस उद्योग से अब ये महिलाएं न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयास में लगे हैं। गन्ना विभाग के द्वारा हर जिले में महिला समूह का गठन किया गया है जो गन्ने की पौध का उत्पादन कर रही है। जिले में महिलाएं दो बार गन्ने की पौध तैयार करती हैं, फिर इन पौध को किसानों को बेच दिया जाता है। गन्ना विभाग एक पौध को तैयार करने पर 1.30 रुपया समूह की महिलाओं को अनुदान के रूप में देता है। वहीं पौध को महिलाओं द्वारा 3 रुपए में बेचा जाता है। पौध लगाने से न सिर्फ गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है बल्कि महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। महिला समूह से जुड़ी सोनिया चौहान कहती हैं कि पहले वे घर पर ही कार्य करती थी, लेकिन गन्ने की पौध को तैयार करके अब उन्हें अतिरिक्त आय हो जाती है। जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया के अनुसार गन्ने से बहुत सी महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आमदनी मिल रही है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनने का यह अच्छा माध्यम है।